बंदूक की गोली एयरप्लेन से फेंकने पर क्या ये नीचे गिरकर किसी की जान भी ले सकती है? चलिए जानते हैं। ये इस लड़के के हाथ में है एक बंदूक की गोली। इसके आगे वाले नोकीले पार्ट को कहा जाता है बुलेट और पीछे वाले लंबे से भाग को कहा जाता है खोखा। और ये एक कमर्शियल एयरप्लेन है। ये रनवे से टेक ऑफ करने के बाद में मैक्सिमम जमीन से 40,000 फीट ऊपर जा पाता है और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। गोली को एयरप्लेन से गिराने के लिए ये लड़का एक एयरप्लेन में बैठ जाता है। उसके बाद ये एयरप्लेन उसको जमीन से लगभग 30,000 फीट ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद में एयरप्लेन स्टेबलाइज हो जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद में अगर ये लड़का किसी तरीके से गोली को एयरप्लेन से गिरा देता है तो सबसे पहले उस गोली पर लगना शुरू हो जाएगी ग्रेविटी, जो कि उस गिरती हुई गोली के स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं पर हवा के प्रेशर यानी कि एयर रेजिस्टेंस उस गोली के स्पीड को कम करेगा। शुरुआत में तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। और फिर वो गोली किसी के सिर पर गिर गई और उसका नोकीला पार्ट भी नीचे की तरफ हुआ तो उस